वॉस पार्ट टू के अंदर आप देखेंगे, पार्ट वन के अंदर हम टेंसेस की कौन कौन सी एडवर्ब्स है उसके हिसाब से कैसे करेक्ट फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं, और टेंसेस के अलावा भी जो करेक्ट फॉर्म्स पूछी जाती है, क्रिया का सही रूप पूछा जाता है, वो इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ के प्रयोग की, इफ के साथ किस तरह से जो है क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया। देखिए इफ यानी कंडीशनल सेंटेंस कहता है शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या शर्त होती है, देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखना कि शर्तें मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। पहली होती है जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशन। अब इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी फर्स्ट पहले वाले सेंटेंस में भी, और सॉरी ए प्लस बी फर्स्ट यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ये क्लोज के अंदर, और दूसरे क्लोज के अंदर भी फर्स्ट यानी कि इधर भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जहां पर वी फर्स्ट लिखा है उसके अंदर ऐसे यस भी हो सकता है, डूडेंस भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। वी फर्स्ट एक इंडिकेशन है, पहचान लोगे आपकी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, अच्छा सिंपल प्रेजेंट है। कब होता है ऐसा करते हो तो वैसा होता है, ऐसा करते हो तो वैसा होता है। जैसे मान लीजिए इफ यू एक्ट, जैसे इसको प्रयोग करके देखते हैं, ट्रू एंड ट्रू यू गेट फॉर। अभी आप देखेंगे ऐसा करते हो तो वैसा होता है, इफ यू एड ट्रू एंड ट्रू, यदि आप दो और दो को मिलाते हो, एड सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुछ भी लगे ऐसे यस। इफ यू एड ट्रू एंड ट्रू, यदि आप दो को मिलाते हो, यू गेट फॉर, आपको चार प्राप्त होते हैं, ऐसा करने से वैसा होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, इफ यू पॉर, यदि आप डालते हो ऑयल ऑन वॉटर, यदि आप पानी पर जो है तेल डालते हो, इट फ्लोट्स, ये तैरता है। एस लगा है क्योंकि इधर एस यूज लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सिंगुलर है, इट फ्लोट्स, ये तैरता है, कौन ऑयल, एक क्वेश्चन हो गया इट, तो एस लग गया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। इफ यू प्रेस दिस बटन, यदि ये बटन दबाते हो, या स्विच, यदि तुम ये स्विच दबाते हो, द मशीन स्टार्ट्स वर्किंग, मशीन काम करना चालू कर देती है, स्टार्ट्स मशीन, ये कुछ नहीं, इसलिए इसके साथ क्या लगा, एस लगा। ऐसा करते हो तो वैसा होता है, यदि आप ये बटन दबाते हो तो मशीन काम करना चालू हो जाती है, तो ऐसा करते हो तो वैसा होता है। इसकी शर्त क्या है कि इफ के बाद भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस क्लोज में भी, तो इसी क्लोज में भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। ये हो गए फ्रेंड्स जीरो कंडीशन। अब बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। सेकंड कंडीशन है आपकी पॉसिबल कंडीशन, संभव सर, पहले वो जीरो कंडीशन थी, ऐसा करने से वैसा होता है। चलिए पॉसिबल कंडीशन है, संभव शर्त है, इसका क्या सूत्र है, ए प्लस वी प्लस यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट है, तो अगले वाले वाक्य के अंदर विल या शैल या भी इसमें कैन वगैरह का प्रयोग किया जा सकता है, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। पॉसिबल कंडीशन, पहले सेंटेंस के अंदर ए प्लस वी प्लस, दूसरे सेंटेंस के अंदर विल या शैल या कैन का इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अब इसको प्रयोग कैसे है, ऐसा करोगे तो वैसा होगा या वैसा हो सकता है, इस तरह से इसकी जो है वो शर्त है। ऐसा करने से वैसा होता है, ऐसा करोगे तो वैसा, भविष्य की बात हो रही है, तो देखना इफ यू वर्क हार्ड। अब यहां देखेंगे कौन सा टेंस है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, तुम सफल होंगे, ये भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन विल और सेल के साथ आई है, और ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो देखेंगे ऐसा करते हो तो ऐसा करोगे वैसा होगा, या फिर ऐसा करते हो तो भी वैसा होगा। जैसे मान लो यदि तुम मेरे
यदि तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यदि तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देखा जाए तो दोनों तरफ भविष्य काल की क्रियाएं हैं, लेकिन यदि तुम मुझे सच बता दोगे इसको प्रेजेंट में रखना है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इसको जो है फ्यूचर में रखना है। देखना यदि तुम मुझे सच बता दोगे, इफ यू टेल मी द ट्रुथ, यदि तुम मुझे सच बता दोगे, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस यहाँ पर किनसे लिया, अधिकतर लोग यहाँ गलत दिया करते हैं, यदि तुम मुझे सच बता दोगे तो इफ यू विल टेल, ये लोग ऐसा भी यूज करते हैं, गलत है वो। इफ यू टेल मी द ट्रुथ आई शैल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर विल और शैल को विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, बट अगर वो मॉडल का प्रयोग है तो अगर आप वादा करते हो तो यहाँ पर विल का प्रयोग भी किया जा सकता है शैल के साथ, शैल की जगह पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफ ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ता है, ही कैन विन द रेस, तो वह दौड़ जीत सकता है। यहां पर कैन का प्रयोग करते हैं और विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इफ ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ता है या यदि वह तेज दौड़ेगा, एक ही बात है, इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते, यदि वह तेज दौड़ता है या यदि वह तेज दौड़ेगा, तो वे दौड़ जीत सकता है या वे दौड़ जीत लेगा, यदि वे तेज दौड़ता है तो दौड़ जीत लेगा। तो इधर जो है आप देखेंगे ए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस हुआ है, इधर विल और शैल का प्रयोग है, तो ये कौन सी कंडीशन है, पॉसिबल कंडीशन, ऐसा करते हो तो वैसा होगा या ऐसा करोगे तो वैसा होगा, इसके साथ पॉसिबल कंडीशन। तो सूत्र क्या आ गए हमने इसमें, ए प्लस वी फर्स्ट, आगे जाके विल या शैल का प्रयोग। अब बात करते हैं अपन जो तीसरी कंडीशन, वो है इमेजिनरी कंडीशन, यानी काल्पनिक शर्त या जो क्रिया पूरी नहीं हुई है उसके साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए तीसरी कंडीशन हो गई इमेजिनरी कंडीशन यानी काल्पनिक शर्त। इमेजिनरी कंडीशन में क्या होता है, ए प्लस बी टू पास्ट टेंस होता है, ए प्लस बी टू अगर होता है तो नेक्स्ट आगे आपके वुड या कुड का प्रयोग प्राय किया जाता है। इसकी हिंदी में सूत्र, हिंदी का जो है क्या पहचान है, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ठीक है ना, इस तरह से। जैसे मान लो इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करते, इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करते, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ यू हेल्प मी, यहां बी टू और यहां पर वुड या कुड का प्रयोग, विल या शैल का नहीं, का वुड या कुड का प्रयोग, क्योंकि देखो इधर भी फर्स्ट था तो विल या कैन वगैरह शैल वगैरह था, इधर वर्ब भी सेकंड में हो गया तो विल वुड में कैन कुड में, इस तरह से टेंस बदल जाता है। जैसे मान लो इफ ही केम लेट, यदि वे देरी से आता, The principal would punish him, तो principal उसे दंड देते, तो यहाँ would का प्रयोग, यदि वे देरी से आता, इस तरह से इसका प्रयोग हुआ है। ये कौन सी condition, imaginary condition, इसको imaginary condition में क्या होता है, जैसे एक example देखिए, if I एक bird, ये sentence ध्यान से देखना, I would fly high in the sky, imaginary sentence इसको कहते हैं, काल्पनिक वाक्य। यदि मैं एक पक्षी होता तो ऊंचे आसमान में उड़ता, ये काल्पनिक वाक्य हो गया। तो यहाँ बी का प्रयोग करना, तो बी का प्रयोग बताया मैंने आपको, बोझ वर इधर है, बोझ वर, तो चूंकि पास टेंस चल रहा है, वुड आया हुआ है, तो इधर इधर है तो आएगा नहीं, बोझ या वर में से। तो याद रखना अगर काल्पनिक वाक्य है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल, अगर बी दिया हुआ तो वहां पर वर ही आएगा। अगर यहाँ पर एक वचन जैसे राम से आम ऐसा कुछ भी होता ना, तो भी यहाँ पर वर का ही प्रयोग किया जाता, क्योंकि काल्पनिक वाक्य में वर का ही प्रयोग किया जाता है। इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, यानी यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं ऊंचे आसमान में उड़ता, ये कल्पनाओं की बात हो गई। इसका ऐसे भी पूछते हैं, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, इफ ए गोस्ट अपीयर्ड हियर, अगर एक जो एक भूत ही आ जाए तो तुम क्या करोगे। ये भी वाक्य इसी जो है कंडीशन का है, तीसरी शर्त का, इमेजिनरी कंडीशन का। चलो अपन अब बात करते हैं
चौथी कंडीशन जो है वो है इम्पॉसिबल कंडीशन, यानी कि जो क्रिया पूरी हो गई है उसके साथ इसका जो सॉरी पूरी नहीं हो, पूरी हो सकती थी या पूरी नहीं हुई है उसके साथ इसका प्रयोग किया जा सकता संभावनाओं के लिए। अगर बोर्ड अच्छे साफ कर लेता हूं, चलो अपन बात करते हैं चौथी कंडीशन की। चौथी शर्त है वो है इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव शर्त, यानी कि जो क्रिया पूर्ण होनी चाहिए थी अब नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल कंडीशन। इसकी क्या इसका सूत्र क्या है कि इफ के बाद हैड प्लस वी थर्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट है तो आगे क्या होगा, वुड या कुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड, ये सूत्र याद रखना। क्या होगा यदि ऐसा हो गया होता तो यहां पर आएगा वैसा हो सकता था या वैसा हो जाता, यानी कि कोई क्रिया पास्ट में पूरी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, इम्पॉसिबल कंडीशन है वो इसमें रखा जाता है। सेंटेंस देखिए, इफ यू इनवाइट मी अटेंडेड द पार्टी, इफ इनवाइट मी आई कुड हैव अटेंडेड द पार्टी, मैं पार्टी में उपस्थित हो सकता था। अगर यहां पर देखो कुड और वुड, पहले हमने कुड और वुड पहले आए लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहां आप देखेंगे कुड और वुड के बाद हैव प्लस वी थर्ड है, यानी कि अपन भूतकाल की बात करते हैं। तो इफ यू हैड इनवाइटेड, अगर यहां पर खाली कुड और वुड के बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर हो सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, और अगर यहां पर कुड और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फिर यहां पर हैड करना है। जैसे मान लो इफ ही हैड अपीयर्ड इन द एग्जाम, यदि वह परीक्षा में बैठता, he could have passed it, तो वे इसको पास कर सकता था। यदि वह परीक्षा में बैठता तो वे उसको पास कर सकता था, तो ना तो परीक्षा में बैठा ना वो पास हुआ, लेकिन एक शर्त है कि वो अगर ऐसा होता तो वैसा हो सकता था। तो यहाँ पर हैड प्लस वी थर्ड है और इधर कुड हैव प्लस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, देखना समरी को देखना, जिसको अच्छी तरह समरी समझ में आ जाएगी, सारांश समझ में आ जाएगा, वो कंडीशनल सेंटेंसेस में कहीं भी नहीं अटकने वाला है। देखिए मैं एक बार पूरी तरह से आपको समझा रहा हूँ ब्रीफली। देखिए फ्रेंड, कंडीशन मैंने बताया था आपको चार प्रकार की, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन। चलो आप समझ रहे हो, पहली कंडीशन होती जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन के अंदर आप देखेंगे क्या, जीरो कंडीशन ऐसा करते हो तो वैसा हो जाता है, दो और दो को मिलाते तो चार हो जाता है, ऐसा करते हो तो वैसा हो जाता है। तो इसकी शर्त क्या है कि इफ प्लस बी फर्स्ट आगे भी बी फर्स्ट, इफ यू हैव टू एंड टू यू गेट फोर, तो ऐसा करते तो वैसा हो जाता है। तो ये कौन सी शर्त है, पहली कंडीशन ए प्लस सॉरी थोड़ा यहां देखिए ए प्लस बी फर्स्ट, ये इसके पहले क्लोज के अंदर अगले वाले क्लोज के अंदर भी बी फर्स्ट। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, पॉसिबल कंडीशन यानी कि संभव शर्त। इसका सूत्र क्या है कि ए प्लस वी फर्स्ट आगे लगेगा विल या शैल या फिर कैन वगैरह का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। जैसे तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, सच बताते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यदि तुम मेहनत करते हो तुम परीक्षा पास कर सकते हो, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम परीक्षा पास कर लोगे, यानी इस ऐसा करते हो तो वैसा होगा। तो इस तरह से जो है मतलब पॉसिबल कंडीशन है ए प्लस वी फर्स्ट आगे विल सेल प्लस वी फर्स्ट। अच्छा मैं आपको फिर बता दूं, अगर इस तरह इसका प्रयोग करते समय जैसे तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें मेरी डायरी दिखाऊंगा, तुम मेरे घर आओगे, इसको भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में रखना है। इफ यू कम टू माय होम
आई विल शो यू माई डायरी, तो ऐसा नहीं कि इफ यू विल कम, विल नहीं आएगा यहाँ पर, इफ यू कम, इस तरह से। यदि तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इफ यू डोंट टेल मी द ट्रूथ। यहाँ वी फर्स के साथ डू डज का प्रयोग भी किया जा सकता है, इफ यू डोंट टेल मी द ट्रूथ, यदि तुम मुझे सच नहीं बताते हो, आई वॉन्ट लिव यू या आई विल नॉट लिव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस तरह भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन में क्या होता है, देखिए इमेजिनरी कंडीशन में होता है काल्पनिक शब्द, जैसे मान लो इफ आई वर बर्ड, यदि काश मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं ऊंचे आसमान में उड़ता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ के बाद वी टू और अगले वाले वाक्य में वुड या कुड, इस तरह इसका प्रयोग होता है इफ और वी टू। और लास्ट में यहाँ पर बात करते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, चौथी असंभव शब्द, इसका साथ इफ प्लस हैड प्लस वी थर्ड और आगे जाकर के वुड या कुड के साथ हैव प्लस वी थर्ड। ये इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लेना, पहली शर्त ए प्लस वी फर्स्ट, आगे वी फर्स्ट, दूसरी शर्त यानी कि पॉसिबल कंडीशन ए प्लस वी फर्स्ट, आगे विल से लिया कैन, तीसरी कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन ए प्लस वी टू, आगे वुड या कुड, और चौथी कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन ए प्लस हेड प्लस बी थर्ड, आगे जाकर वुड कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आया है और आप कंडीशनल सेंटेंस को यानी कि इफ के जो बनने वाले कंडीशनल सेंटेंस है उसको आप पूरी तरह से समझ गए हो। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इसको ऐसे पूछा जाएगा, अगर आपको मॉडल आगे पहचान लेना है कि आप पीछे क्या है, इफ के पास बाद क्या आएगा, आपको सेंटेंस के दूसरे क्लोज में जाकर के आपको देखना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर हम अगला नियम पढ़ते हैं, अगला नियम यह है अगर डबल वर्ब हो, जैसे आई लाइक क्रिया होती है इसके बाद अगर सिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्ब आने वाली है वो नाउन के रूप में आएगी, यानी सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, सी लाइक डांसिंग, सी लाइक्स डांसिंग, इस तरह से सी लाइक्स डांसिंग या डांस नहीं आएगा, डांसिंग ये यहाँ पर जो बनने वाली संज्ञा होगी वर्ब होगी वो नाउन के रूप में आएगी। आई होप ये नियम समझ आ गया आपको। नेक्स्ट नियम है कि टू के बाद प्राय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता है, प्राय बता रहा हूं, जैसे मान लो सी वांट्स टू, अब यहां पर अगर ब्लैंक दिया हुआ है तो क्या आएगा, यहां पर देखिए यहां पर सी वांट्स टू प्ले क्रिकेट, सी वांट्स चाहती है टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना चाहती है, ये जो है इस वर्ब को नहीं देखना है, टू के बाद आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इंफिनिटिव कहलाता है, आपको कभी विस्तार से टॉपिक पढ़ाऊंगा इंफिनिटिव। अच्छा नेक्स्ट नियम की बात करें अगर, तो दो क्रियाएं अगर एंड से जुड़ी हुई हो, दो क्रियाएं अगर एंड से जुड़ी हुई हो तो पहले वाली के अकॉर्डिंग सेकंड वाली का प्रयोग होता है उसी जैसे रूप में, जैसे मान लो सी कैन, अब यहां पर एंड जुड़ा हुआ है एंड, और यहां पर अगर आपको बढ़ना है वह आई और मेरे पास बैठ गए, तो ये एंड है, इधर कौन सी सेकंड फॉर्म है, तो एंड इधर भी क्या रखी जाएगी, सेकेंड फॉर्म, सिट की सेकेंड फॉर्म है सेट, इस तरह से, जैसे मान लो सी वॉज, यहां पर लिखिएगा सी वॉज सिंगिंग एंड, अब आपको डांस क्रिया है इसका प्रयोग करना, तो क्या आएगा, डांसेज नहीं आएगा, डांसिंग, सी वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग, वे नाच रही थी और गा रही थी, वे नाच रही थी और गा रही थी, क्योंकि एंड के पहले जो क्रिया है बाद में भी वो ही रखी जाएगी। चलो और इसको बोर्ड को चेस्ट साफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, तो नेक्स्ट नियम है अगर लेट का प्रयोग किया हुआ है उसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में लेट है ऑब्जेक्ट है, तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी, जैसे मान लो लेट हिम हर जगह कम ही, उसको अंदर आने दो, लेट हिम कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखी जाएगी, लेट का प्रयोग इसके साथ हुआ है तो, ये पॉजिटिव वर्ब कहलाती है, जैसे मान लो लेट मी गो इनसाइड, मुझे अंदर जाने दो, तो यहां पर जो क्रिया हुई है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट के बाद लेट और ऑब्जेक्ट उसके बाद, यहां पर इस तरह से मैक का भी अगर प्रयोग है
मैक के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो he made me sing songs, मैक का प्रयोग कब करते हैं जब कोई क्रिया दूसरों से करवाई जाती है, तो he made me sing songs, उसने हमसे गाने गवाए तो सिंग, क्योंकि मैड का प्रयोग हुआ, मैक की सेकेंड फॉर्म है। जैसे मान लो सी मैक्स मी कुक फूड, वह मुझे खाना बनवाती है, तो यह मैक का प्रयोग हुआ है, तो मैक के बाद ऑब्जेक्ट है और उसके अगले वाले आने वाली वर्ब जो होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखी जाएगी। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब की बात कर लेते हैं, अगर गेट आया हुआ है और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद आने वाली वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पॉजिटिव वर्ब में। जैसे देखिए आई गॉट माई बाइक रिपेयर, मैंने मेरी बाइक रिपेयर करवाई, तो यहां पर ये रिपेयर्ड आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि क्यों आया है, क्योंकि गेट के बाद ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब आ गई है, तो ये कौन सी फॉर्म में रखी जाएगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखी जाएगी। जैसे देखो सी गेट्स हर हाउस पेंटेड एवरी ईयर, हर साल में अपने मकान को रंगवाती है, तो पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि आखिर गेट आया हो, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव वर्ब के अंदर इसको रखा जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट रूल देखिए आप, नेक्स्ट रूल क्या है, अगर हैड बेटर दिया हुआ है सेंटेंस में तो उसके साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मान लो यू हैड बेटर गो नाउ, अब तुम्हारा जाना उचित रहेगा, तुम्हारा जाना बढ़िया रहेगा, तो यू हैड बेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड बेटर के साथ सदैव फर्स्ट फॉर्म रहेगी। चलो आपको पता है फ्रेंड्स मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है प्राय। जैसे मान लो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो कैन शुड मस्ट वगैरह इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे सी कुड हैव वन द रेस, वे दौड़ जी सकती थी, कभी कभार वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी होता है, कब होता है, जब मॉडल की परफेक्ट हो, यहाँ पर कुड है शुड है इस तरह से है अगर दिया हो उसके बाद अगर प्रयोग करना है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बाकी प्राय मॉडल के साथ कैन है मस्ट है शुड है इसके साथ ये वी शुड नाउ बाय आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स की जो है आगे का पालन करना चाहिए, प्राय इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल है वुड रादर, अगर ये सेंटेंस में वुड और रादर का प्रयोग है तो उसमें क्रिया के क्या नियम देखना एक बार आप। जैसे I would rather die than bear. Would rather का प्रयोग है ना, उसमें दो क्रियाएं होती है, than का प्रयोग किया हुआ है ना, तो इधर भी क्रिया लगती है, इधर भी क्रिया लगती है, ध्यान रखना दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना तो ऐसी है या कुछ भी नहीं, इस दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है देखना। जैसे मान लो she would rather fail then copy in the exam, परीक्षा में वो फेल होना पसंद करेगी then की बजाय copy in the exam, परीक्षा में नकल करने की बजाय उसको फेल होना ज्यादा अच्छा लगेगा, तो जो क्रिया अच्छी लगेगी ना वो पहले आएगी, जो क्रिया जो है नहीं होगी वो दूसरी जगह लिखी जाएगी, यानी कि then के बाद में, लेकिन दोनों रखी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। बाबू थोड़ा अच्छे साफ कर दो ब्लैक बोर्ड को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफ और अनलेस की, तो देखिए फ्रेंड्स अपन को पता है इफ यू डोंट टेल मी द ट्रुथ, यदि तुम मुझे सच नहीं बताते हो आई विल नॉट लिव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इफ यू डोंट टेल मी द ट्रुथ, इफ के बाद तो नेगेटिव आएगा ध्यान रखना, इफ के बाद सेंटेंस आएगा वो नेगेटिव आता है, कब, जब आगे भी विल नॉट वगैरह ऐसा हो, इफ के बाद नॉट, तो इफ प्लस नेगेटिव तो इसके इक्वल क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, अनलेस प्लस पॉजिटिव, मतलब क्या होता है कि अनलेस में
नॉट शामिल होता है, इसी सेंटेंस को इंग्लिश में अनलेस का प्रयोग करके कैसे बताएंगे कि अनलेस यू टेल मी द ट्रुथ, जब तक मुझे तुम सच नहीं बताते हो, आई विल नॉट यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो याद ये रखना है कि इफ का प्रयोग हुआ है तो वहां पर डू नॉट का प्रयोग किया जा सकता है, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर अनलेस का प्रयोग हुआ है, अगर इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग, दोनों का प्रयोग एक ही है। If you don't work hard, यदि तुम कठिन प्रश्न नहीं करते हो, you will not pass, तुम पास नहीं होगे, तो unless you work hard, if you don't की जगह unless कर सकते हैं, unless you work hard या if you don't work hard, एक ही बात है। चलो, unless you tell me the truth, I will not leave you, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये हो गया unless और if का प्रयोग। अब अपन बात करते हैं, infinitive की बात हो गई, अब अपन बात करते हैं participle की, तो participle का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे देखिए I sat on a khajga break or chair. Chair. तो यहां पर ध्यान रखना है कि noun से just पहले अगर कोई verb आई है, chair noun. Noun से just पहले कोई verb आई है और उस तो उसको third form में प्राय रखा जाता है। जैसे देखिए, I sat on a broken chair. मैं टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। Broken chair. अच्छा, ये हो गया कौन सा participle? पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो आई शो, मैंने देखा ए स्विमिंग बॉय, एक तैरते हुए लड़के को, स्विमिंग बॉय तैरते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया मेरे पास, आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई सो ए स्विमिंग बॉय, मैंने एक तैरते हुए लड़के को देखा। अच्छा, अगर हैविंग का प्रयोग है, हैविंग के बाद जो है अगर वर्ब आई है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी Having taken tea, चाय पी करके, we went out, हम बाहर गए, तो having taken tea, having के बाद वर्ब की तरफ, ये है perfect participle, तीन प्रकार के participle होते हैं, present perfect present participle, यानी कि विपस ing, past participle, with third, और perfect participle, having plus with third, ये इस तरह जिसके प्रयोग होते हैं, तो I hope कि correct for the verbs के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आपको सुनवाए हैं, कहाँ पर किसका प्रयोग करना है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा टेंस के करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स कैसे भरी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स की वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स का सारा चैप्टर जो है आसानी से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।